आखिर ऐसा क्या हुआ जब देवों के देव महादेव और भगवान श्री कृष्ण के बीच महायुद्ध हुआ? पूरी कहानी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा बाणासुर था। बाणासुर ने भगवान शंकर की कठिन तपस्या से उन्हें प्रसन्न किया। शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र बाहु और अपार बल दे दिया। उसके सहस्त्र बाहु और अपार बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था। इसी कारण से बाणासुर अति अहंकारी हो गया। बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जब उसे किसी से युद्ध नहीं किया, तो वह एक दिन भगवान शंकर के पास आकर बोला, हे ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। कृपया करके आप ही मुझसे युद्ध कीजिए। उसकी अहंकार पूर्ण बात को सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आया, किंतु वाणासुर उनका परम भक्त था, इसीलिए अपने क्रोध का शमन कर उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए, तब समझ लेना तेरा शत्रु आ चुका है। वाणासुर की उषा नामक एक कन्या थी। एक बार उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र तथा पद्युमन के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई और चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया और पूछा, क्या तुमने इसी को स्वप्न में देखा था? इस पर उषा बोली, हाँ, यही मेरा चित्रचोर है, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती। चित्रलेखा ने द्वारिका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक अनिंद सुंदरी बैठी है। अनिरुद्ध ने पूछा, पर उषा ने बताया कि वह वाणासुर की पुत्री है और अनिरुद्ध को पति रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ वह महल में रहने लगे। तभी उसी समय वाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरा हुआ देखा। उसे निश्चय हो गया कि कोई मेरा शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वह अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीताम्बर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सांवला सलोना पुरुष बैठा। वाणासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। उन्होंने लोहे की एक भयंकर मुंदूर को उठाकर उसी के द्वारा वाणासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। वाणासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। जब वाणासुर ने देखा कि अनिरुद्ध किसी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहा, तो उसने नागपाश से उसे बांध कर बंदी बना दिया। इधर द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध की खोज होने लगी और उनसे मिलने का शोक और रंज छा गया। जैसे तैसे ये खबर श्री कृष्ण, बलराम और पद्युमन साथ ही गद और सामंत तक पहुंच गई कि अनिरुद्ध वाणासुर के महल में है। उन सभी ने वाणासुर के महल पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का समाचार सुनकर वाणासुर भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया। श्री बलराम, श्री कुंभकर्ण और कुपकर्ण राक्षसों से जा भिड़े। अनिरुद्ध कार्तिकेय के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण वाणासुर के सामने आ डटे। जब वाणासुर को लगने लगा कि वह श्री कृष्ण को नहीं हरा सकता, तो उसने भगवान शंकर की बात याद आई। अंत में उसने भगवान शंकर को याद किया। बाणासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव ने रुद्रगणों की सेना को बाणासुर की सहायता के लिए भेज दिया। शिवगणों की सेना ने श्री कृष्ण पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण और श्री बलराम के सामने हार का मुंह देखना पड़ा। अंत में भगवान शिव को रणभूमि में आना पड़ा। ऐसे में भगवान शिव और श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। सभी को लगने लगा कि जगत का प्रलय काल निकट आ गया है। फिर भगवान शिव ने श्री कृष्ण को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन जब श्री कृष्ण किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो विवश होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। घनघोर संग्राम होने लगा। हर तरफ बाणों की बौछार होने लगी। तभी श्री कृष्ण ने महादेव से कहा कि वह इस युद्ध को छोड़ दे। श्री कृष्ण के बाणों से शिव की सेना कांपने लगी। अब दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होने लगा। शिव जी ने श्री कृष्ण का क्रोध देखकर उनसे विनती की कि आप ऐसा ना करें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास कोई और चारा भी नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपना एक बाण निकालकर भगवान शिव के मार दिया और भगवान शिव उसी समय सो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर श्री कृष्ण ने वाणासुर की चार बाजू छोड़कर बाकी सब बाजू काट डाली। तब जागे हुए भगवान शिव ने वाणासुर से कहा, रे मूर्ख, ये भगवान श्री कृष्ण है,
इनके सामने तू अपनी उदंडता दिखाना छोड़ दे, वरना तुझे मेरे भी क्रोध का सामना करना पड़ेगा। भगवान शिव ने श्री कृष्ण से विनती की कि हे प्रभु, ये मेरा भक्त है, कृपया कर इसे छोड़ दे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने वाणासुर को शमादान दिया और अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।